जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मौजूद हैं जी एक और नए रिव्यू के साथ। तो आज के रिव्यू में जो हमारे पास गाड़ी है, थंबनेल तो आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा। तो जो रिव्यू में गाड़ी है ये है जी 99 मॉडल प्राडो है, TZ मॉडल है, फुल ऑप्शन गाड़ी है, पर्ल वाइट इसका कलर है। तो आज के रिव्यू में इस गाड़ी का जो मजीद डिटेल्स है, इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब करें यार, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वीडियोज़ लेके आते हैं। तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और जो बेल आइकन का निशान है उसको ऑल पर क्लिक किया करें ताकि जो मजीद वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को मिल सकें। तो चलें जी आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। 99 मॉडल है प्राडो TZ ऑप्शन में एडिशन में। तो सबसे पहले जो है आप इस गाड़ी का बोनट देखें जी। बोनट इसका जो है डेंटलेस बोनट है, कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है। जिसकी फ्रंट ग्रिल है ये भी आप लोग देख सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इसका सियालकोट का नंबर है, और 3 डिजिट्स का जो नंबर है 555 VIP नंबर लगा हुआ है। और यहाँ पर जो LED लाइट्स हैं कुछ, ये भी एक्स्ट्रा लगी हुई हैं। बाकी जो है साइड गाड़ी में दिखाऊँ तो साइड आप गाड़ी की देख सकते हैं, साइड जो है माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है। 90% गाड़ी अब जेन्युइन है। और इसके अलावा टायर देखें तो बड़े ही ज़बरदस्त जो हैं रिम हैं, टायर हैं इस गाड़ी के, जो कि बहुत ही शानदार हैं। तो अभी जो है गाड़ी का जो पीछे वाला टायर है ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, और इसके अलावा जो बैक से गाड़ी की कंडीशन है और जो लुक है ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। स्पॉइलर इसका जी माशाल्लाह लगा हुआ है, और इसके अलावा जो इसकी टपनी है वो मौजूद है। बैक लाइट्स जो हैं इसकी माशाल्लाह वो भी ठीक ठाक हालत में है, कोई भी मसले वाली बात नहीं है। और उसके अलावा जो दूसरी साइड से गाड़ी की कंडीशन है ये भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा जो ट्रंक है ये भी मैं खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ट्रंक आप इसका देख सकते हैं, ठीक है। जो डिक्की की सीले वगैरह हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं। जो बैक स्पेस है ये आप देख सकते हैं, 7 सीटर गाड़ी है जी। तो बाकी जो है मैं दूसरी साइड से जो गाड़ी का मुकम्मल रूम है वो भी मैं अंदर से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलते हैं जी अभी इंटीरियर की तरफ। जो डैशबोर्ड है वो इसका दिखाता हूँ आपको। जो फ्रंट डोर है राइट, उसकी जो डोर की सीले वगैरह हैं, गत्ते वगैरह आप देख सकते हैं जी, माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और इसके अलावा जो डैशबोर्ड इसका ये भी आप लोग देख सकते हैं। एयर बैग्स जो हैं इसमें मौजूद हैं जी। 4x4 गाड़ी है, 4x4 एक्टिव है, ऑटोमेटिक गियर्स हैं, ACC ओके है, स्क्रीन लगी हुई है LCD। और इसके अलावा जो डैशबोर्ड है इसका ये भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हालत में मौजूद है। तो सीट्स अगर मैं दिखाऊँ तो सीट्स आप देख सकते हैं, सीट्स की जो कंडीशन है वो भी बिल्कुल ओके है। 7 सीटर गाड़ी है, पीछे वाले जो सीट्स हैं ये भी आप देख सकते हैं। सनरूफ जो है इसका ये भी एक्टिव है, और इसके अलावा मुकम्मल ओके गाड़ी है जी। कोई भी इसमें ज़रा सी भी जो कोई तनक मसले वाली बात हो तो वो नहीं है। ऐसी हीटर हर्स सब कुछ जो है इसका ओके है, ठीक है। 4x4 भी इसका एक्टिव है, ऑटोमेटिक गियर्स हैं। तो इसके अलावा जो है अभी दोस्तों गाड़ी का जो बैक रूम है ये भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि मतलब कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो। तो जो बैक रूम है इसका ये भी आप देख सकते हैं, जो डोर की कंडीशन है ये आप लोगों के सामने है। और इसके अलावा जो नीचे मैट्स वगैरह हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, कोई भी मसले वाली बात नहीं है। तो ये आप पीछे एंड वाले जो सीट्स हैं ये भी देख सकते हैं कि कोई भी सीट जो रफ नहीं है, बैठी हुई नहीं है। छत जो है इसका ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। उससे जो पीछे वाली सीट है माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी कोशिश जो है इनको हुई हुई है, और मुकम्मल जो है नीट एंड क्लीन गाड़ी है, ठीक है। कोई भी मसले वाली बात इसमें नहीं है। तो अभी जो है इसका इंजन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इंजन की क्या कंडीशन है और क्या पावर है, वो भी आप लोगों को बताते हैं। जीत व्यूअर्स, अब ये है जी इसका इंजन। इंजन आप लोग देख सकते हैं जी, माशाल्लाह बहुत ही पावरफुल इंजन है जी इसका। और इसके अलावा इसके जो इंजन, इसमें जो ब्रेक्स हैं ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें जो ब्रेक हैं वो दूसरी ब्रेक आती थी, ABS ब्रेक नहीं थी। तो इस गाड़ी में जो ब्रेक्स हैं ये जी ABS ब्रेक हैं, इसमें 7 सीटर है। और इसके अलावा जो है इस गाड़ी का जो इंजन है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि इसका कितने सीसी इंजन है। और इस गाड़ी का जो इंजन है ये मैंने अभी भाई से पूछा है, तो वो कह रहे हैं कि इस गाड़ी का जो इंजन है ये 3000 CC इंजन है। 2 बैटरी हैं जी इसमें आप लोग देख सकते हैं, और इसके अलावा जो फ्रंट पट्टी है ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इंजन इसका जो है बिल्कुल फिट है, इसमें कोई भी मसले वाली बात नहीं है। जो फ्रंट इसका चेसी नंबर है ये भी आप लोग देख सकते हैं। बोनट की सीले वगैरह जो है वो भी माशाल्लाह बिल्कुल ओके है, कोई भी मसले वाली बात नहीं है। तो अभी दोस्तों बात करते हैं जिसकी प्राइस की, किसकी जो प्राइस है वो क्या डिमांड की जा रही है। अल-अमीन मोटर्स पर ये गाड़ी अवेलेबल है। इनका जो एड्रेस है, जब आप पिंडी बाईपास से रावली की तरफ आते हैं तो लेफ्ट साइड पे जो है इनका आते हुए जो शोरूम है अल-अमीन मोटर्स का, जो बोर्ड है वो आप लोगों को कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगा। तो अभी जो है इसकी प्राइस जो डिमांड की जा रही है वो की जा रही है जी 40 लाख रुपया। नंबर भी स्पेशल है, हर चीज़ इसकी ओके है। 7 सीटर है, ABS ब्रेक्स हैं, ठीक है। सनरूफ एक्टिव है,
हर चीज़ इस गाड़ी की ओके है। 40 लाख रुपये डिमांड की जा रही है और ये प्राइस जो है ये शोरूम वाले करते हैं, ये हम खुद से नहीं करते। मे बी प्राइस अगर आप लोगों को ज़्यादा लगे तो आप जो है इनसे कॉन्टैक्ट करके जो प्राइस के बारे में जो बात है वो कर सकते हैं। प्राइस जो है वो निगोशिएबल है, इसमें कमी पेशी हो जाएगी। तो बाकी जो दोस्तों इनके पास और भी गाड़ियाँ हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी गाड़ी के मैं रिव्यू करूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आई होप दोस्तों की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का निशान है उसको ऑल पे क्लिक किया करें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन होते हैं वो आप लोगों को मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।